हमने नारियल पानी के लिए ब्रेक लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑरेंज नारियल स्टार्ट हो गए हैं। मैंने दोनों ट्राई किए, ऑरेंज नारियल में भी हल्की सी मलाई होती है और ग्रीन नारियल में भी। ऑरेंज नारियल थोड़ा ज़्यादा पानी मीठा, स्वीट और फर्मेंटेड लगता है, और ये एकदम फ्रेश नारियल, यानी कि दोनों का जो टेस्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, टेस्ट बहुत ही बढ़िया। यानी कि यहाँ पे रास्ते पे भी काफ़ी सारे नारियल के पेड़ देखे हमने। अभी हम जा रहे हैं मुर्डेश्वर की ओर और ये रास्ते में गोकर्णा से मुर्डेश्वर जाते टाइम पे ये 5-10 मिनट का ब्रेक लिया है। रास्ते भी काफ़ी बढ़िया है। हम मुर्डेश्वर टेंपल पहुंच चुके हैं। ये जो आप सामने देख रहे हो वो व्यू गैलरी है, इसको गोपुरम, इनफैक्ट राज गोपुरम बोलते हैं। और उसके पीछे शिव जी की जो सबसे बड़ी मूर्ति है इंडिया की मेरे हिसाब से वो है। ये काफ़ी हाइट पे, यानी कि काफ़ी लंबा बना है, अंदर लिफ्ट है, लिफ्ट से ऊपर जाना है और ऊपर से व्यू गैलरी है। जैसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है केवड़िया में, इस प्रकार का कंसेप्ट है। आप देख सकते हो कि इसी तौर पे मंदिर बना हुआ है, फिशिंग भी हो रहा है। बढ़िया एकदम एटमॉस्फेयर है, गाड़ियां भी जा रही है अंदर। आप ये देख सकते हो मुर्डेश्वर, जो शिव जी की प्रतिमा है और उसके नीचे टेंपल है। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, क्या बढ़िया लुक आ रहा है इसका, आह्लादक। आप देखिए, मुर्डेश्वर शंकर जी की मूर्ति आप देख सकते हो, उसके नीचे टेंपल है। बहुत ही बढ़िया नज़ारा, आप देखिए पूरा यहाँ से सीसोर दिख रहा है, वाटर स्पोर्ट्स चल रहा है। इसके बाद जो मेरे गोपुरम पूरा कैंपस एकदम मस्त। ये जो RNS रेसिडेंसी है ना, ये होटल बहुत बढ़िया है। अगर किसी को मुर्डेश्वर में रुकना है तो यहाँ पे रुकना बनता है। जो सामने ये जो रेस्टोरेंट दिख रहा है वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ पे भी खाने का एक और ही मज़ा है। हम तो यहाँ से करीबन 1-2 घंटे में निकल जाएंगे, अभी यहाँ पे रुका जा सकता है, वैसी जगह है। क्या लुक आ रहा है देखिए, फोटो। जो ये शिव जी की मूर्ति थी, के नीचे एक केव है मंदिर के बाजू में, और आप देखिए इसमें पूरा एक शो चल रहा है, ऑडियो शो। यहाँ पे जरूर आइए, देखिए वो मैं। अभी हमने जस्ट हमारा लंच फिनिश किया, नवीन रेस्टोरेंट मंदिर के बाजू में ही है। यहाँ पे आइए, आप उसका व्यू देखिए, ज़रूर आना यहाँ पे एक बार। एकदम आधा रेस्टोरेंट एकदम सी फेसिंग, और यहाँ पे बेले डोसा ज़रूर खाइए।
हमने यहाँ पे बैने डोसा, पूरी भाजी, मसाला डोसा ट्राई किया और लुक देखिए टेबल से। आप देख सकते हो बीच पे कार ड्राइविंग, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आपको दिखाता हूँ बीच फ्रॉम कार। अभी देखते हैं हमारी कार बीच में कहाँ तक जाती है अंदर। आप ड्रोन शॉट देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, और पीछे आप लहरें देखिए पानी की, और लोग देखिए कितने डीप तक अंदर नहाने के लिए गए। हम भी यहाँ पे नहाए, बहुत ही एंजॉय किया। नहाने के लिए एकदम बेहतरीन और सेफ बीच है, तो मुर्डेश्वर आते हो तो नहाइए जरूर। ये जो आप पीछे देख रहे हो वो राजगोपुरम और शिव जी की मूर्ति जो मैंने आपको क्लोजअप दिखाया था, तो आप देखिए कि कितनी बढ़िया सिचुएटेड है ये, और आप उसका किनारा देखिए एकदम अंदर तक जा रहा है। ये जो आप पीछे सी शोर टाइप देख रहे हो, वहाँ पे रहने के बहुत ही तीन चार बढ़िया ऑप्शन है, विलाज है, एसी एकोमोडेशन है, और एट अ वेरी रिजनेबल रेट। हमने बहुत ही एंजॉय किया। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से टुवर्ड्स मैंगलोर। आज हम गोकर्णा मेन बीच से, जहाँ पे हमारा स्टे था, वहाँ से निकले और करीबन दो घंटा आपको मुर्डेश्वर टेम्पल पहुँचने में लगेंगे। मुर्डेश्वर में आपको टेम्पल देखना है, वहाँ पे राजगोपुरम व्यू गैलरी जो उसके बाजू में ही है, यानी कि एक ही कैंपस में है, वहाँ से आपको पूरा जो शिवा का स्टेच्यू, शिव भगवान का स्टेच्यू दिख रहा है आपको, वो देखना है। दोनों साइड आपको समुंदर दिखेगा, वो आप देखिए। बाद में आप वहाँ से नीचे उतर के बीच पे जा सकते हो। बीच पे आप नेत्रानी आइलैंड, वहाँ से जो अगर आपको स्कूबा करना है तो नेत्रानी आइलैंड जाइए, बीच से ही वहाँ पे आपको फेरी वगैरह मिल जाएगी। बाद में आप बीच पे भी नहा सकते हो, थोड़ा टहल सकते हो। हम लोग मुर्डेश्वर में नाइट स्टे नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ से मुर्डेश्वर से निकल के मैंगलोर जाएंगे, जो करीबन और मेरे हिसाब से तीन घंटे का रास्ता है, तीन साढ़े तीन घंटे का। और हम मैंगलोर के आजू बाजू, मैंगलोर के आगे थोड़ा हम नाइट स्टे करेंगे।